अभी मौजूद हैं प्रेस वार्ता में सफदर इमाम जी, इनसे जानकारी लेते हैं कि गिरिडीह क्षेत्र में क्या हो रहा है, उधर का क्या हवा है। हाँ बताइए। देखिए गिरिडीह में जो हवा है, वहाँ जो गिरिडीह गांडे में जिस तरह से मतलब गुस्सा है वहाँ के लोगों को कि गांडे से ये तीर धनुष में जो है ना, ये तीर धनुष छाप में लोग वोट देंगे और इतना वोट देंगे, और हेमंत सोरेन जी जो अभी जेल में है उसका जवाब जो वहाँ के जनता ये तीर धनुष से देंगे। और वहाँ तीन तारा और उपचुनाव में हमारे कल्पना मुर्मू जी जो चुनाव लड़ रही है उसका आंसू का जवाब वहां के लोग देंगे कि जिस तरह से ये मोदी सरकार ने जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आईडी के द्वारा जेल भेजा गया, इसका जवाब वहां के जनता देंगे। और हम समझते हैं कि वहां से मैंने रफ्तार की तेज से कल्पना सोरेन मुर्मू जी वो चुनाव जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कहा कि हमारे हेमंत जी ने गरीबों के लिए इंदिरावास दिए और इंदिरावास विकलांगों का सर्टिफिकेट बनाने का काम किए, अब वो आवास के लिए तीन कमरा वो दे रहे थे, लेकिन ये आईडी के द्वारा ये मामला था कोर्ट का, लेकिन ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे एक आदिवासी नेता को आज ये संथाली लोग से आदिवासी लोग इतना गुस्सा में है, ये लोग बिकने वाले नहीं है, रुपया में ये बिकने वाले नहीं है, ये झूठा आश्वासन देके मोदी बोलती है कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन जो जेल जो इसको भेजा गया है हेमंत सोरेन को जो जेल भेजा गया है, इंडिया गठबंधन से मां ले इसका जवाब दे गया। और इसको अब झारखंड से पत्ता साफ होने जा रहा है। और हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन से गांडे से माननीय श्रीमती कल्पना मुर्मू जी को तीर धनुष में वोट देंगे। ये तीसम गुरु जी का फोटो है, ये तीसम गुरु जी है जो झारखंड राज अलग किए और उन्हीं को बेटा को जो जेल भेजा, जेल का भी ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। और हेमंत सोरेन जेल का ताला टूटेगा तो जीतने के बाद इलेक्शन के बाद में होना है, ये होना है तुरंत जेल का ताला टूटेगा। सफदर जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है जो कि उनको जेल भेजा गया, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, उसके तकलीफ के आवाज़ में ये बोल रहे हैं। तो हाँ क्या कहना है जेल के बारे में? जेल के बारे में हम ये कहना है कि जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। लेकिन हम पूरे झारखंड में देख रहे हैं अभी चुनाव के दौर में कि एक जेएमएम का नेता है संजू बेदिया का, आप नाम सुने हैं सर? संजू बेदिया, आप नाम सुने हैं? हम नाम सुने हैं, बोलिए। गुरुजी के वो सच्चे सिपाही हैं, पूरे झारखंड में देखा जाए तो गुरुजी के सच्चे सिपाही हैं और उसके जैसा ईमानदार और कोई नेता नहीं। अभी वो भाई जेपी पटेल के लिए इंडिया गठबंधन में वो कांग्रेस के लिए वो इतना वोट मांग रहे हैं, एक महीना से वो लगे हुए हैं। और हम समझते हैं कि आज संजू बेदिया जो इतना कड़ी मेहनत से इतना मेहनत मशक्कत करके जो भाई जेपी पटेल के लिए कहां कहां पूरा जंगली क्षेत्रों में कहां कहां वो वोट मांग रहे हैं, इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। ये चीज़ हमसे मत पूछिए, इस चीज़ वहां के जनता से पूछिए, नहीं तो हम माले का नेता हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। यानी गठबंधन में संजू बेदिया भी शामिल हैं? हाँ, गठबंधन में संजू बेदिया शामिल हैं जेएमएम से, लेकिन जब से हेमंत सोरेन जी जेल गए हैं उस टाइम से संजू बेदिया का थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब हो गए, उसका चिंता फिक्र से न खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना। और अभी इस कड़ी धूप में जो है भाई जेपी पटेल के लिए इंडिया गठबंधन से इतना वोट मांग रहे हैं, इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं हम दे सकते। इसका जवाब हम तो दलाली नहीं कर रहे हैं, माले के लोग दलाली नहीं करते हैं, लेकिन इस चीज का जो है संजू बेदिया के बारे में अगर पूछना है तो वहां के जनता से पूछिए जिस गांव में संजू बेदिया जा रहे हैं कि आज भाई जेपी पटेल के लिए कितना मैंने वोट मांग रहे। और हम समझते हैं कि संजू बेदिया को वो कितना वोट दिलाएंगे जब भाई जेपी पटेल को, इसका जवाब नहीं है। और हम मेरा माले का जो 7-8 हजार वोट है इंडिया गठबंधन से, हम भाई जेपी पटेल को ही के लिए हम भी प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद सफदर इमाम जी। तो सफदर इमाम जी ने जो भी अपना विकार था वो निकाले बोलकर। तो अभी हम लालदेव कुमार सिंह, स्टेट इंचार्ज झारखंड, ATH News 11 से। धन्यवाद।